हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे होस्ट नेम कमांड का यूज कैसे करते हैं और इससे हमें क्या क्या डिटेल्स मिल सकते हैं। तो होस्ट नेम कमांड का यूज सिस्टम का होस्ट नेम देखने के लिए भी किया जाता है और सिस्टम का होस्ट नेम सेट करने के लिए भी किया जाता है। अगर आप सिर्फ होस्ट नेम कमांड चलाओगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम का होस्ट नेम आपको शो होगा। और होस्ट नेम सेट करने के लिए क्या होता है, होस्ट नेम, उसके बाद आपको स्पेस, उसके बाद आपको जो होस्ट नेम आपको रखना है, ठीक है, मैं अभी आपको सेट करके दिखाऊंगा। उसके बाद होस्ट नेम हाइफन ए चलाओगे तो वहाँ पे आपका सिस्टम का एलियास नेम दिखेगा। अगर आप होस्ट नेम हाइफन कैपिटल ए टाइप करोगे तो वहाँ पे डिस्प्ले होगा आपका ऑल एपकेडियन होस्ट नेम आपको शो होगा। अगर आप होस्ट नेम हाइफन बी चलाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा बूटिंग टाइम में आपका कौन सा होस्ट नेम सेट है वो आपको शो होगा। अगर आप कमांड चलाते हैं होस्ट नेम हाइफन डी तो वहाँ पे आपको डीएनएस डोमेन नेम शो होगा। अगर आप कमांड चलाते हो होस्ट नेम हाइफन एफ चलाते हो स्मॉल में तो वहाँ पे आपको दिखेगा फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम दिखेगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एफ का यूज किसी स्पेसिफिक फाइल से होस्ट नेम और एनआईएस डोमेन का नाम को रीड करने के लिए करते हैं। होस्ट नेम हाइफन आई चलाओगे स्मॉल में तो वहाँ पे आपका आईपी एड्रेस शो होगा। अगर आप कमांड चलाते हो होस्ट नेम हाइफन आई कैपिटल में तो वहाँ पे जितने भी आपका आईपी एड्रेस है वो आपको शो होगा। और अगर आप होस्ट नेम हाइफन एस चलाओगे तो वहाँ आपको शॉर्ट नेम डिस्प्ले होगा। जैसे मैंने यहाँ पे होस्ट नेम कमांड चलाया है तो यहाँ पे हमें ये होस्ट नेम शो हो गया है सिस्टम का। यहाँ पे मैंने कमांड चलाया है होस्ट नेम हाइफन बी तो ये हमारा बूट टाइम वाला शो हुआ है। यहाँ पे मैंने कमांड चलाया है होस्ट नेम हाइफन आई चलाया है तो यहाँ पे सिस्टम का हमारा आईपी शो हो गया है। और कैपिटल आई में चलाया तो यहाँ पे जितने भी आईपी है वो हमारा शो हो गया। अभी मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ दोस्तों, अब मैं कमांड चला के दिखा रहा हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे कमांड सिर्फ टाइप कर रहा हूँ होस्ट नेम, तो ये देखिए हमें ये होस्ट नेम यहाँ पे शो हो गया सिस्टम का। अगर हमें बूट टाइम का होस्ट नेम देखना है कि वहाँ पे क्या सेट हुआ है तो उसके लिए कमांड यूज करना पड़ेगा होस्ट नेम हाइफन बी। अगर हमें डीएनएस डोमेन नेम देखना है तो उसके लिए कमांड टाइप करनी पड़ेगी होस्ट नेम हाइफन डी। तो ये देखिए हमें यहाँ शो हो गया है, ठीक है। अब हमें सिस्टम का आईपी देखना है तो उसके लिए कमांड यूज करनी पड़ेगी आपको होस्ट नेम हाइफन आई। ये देखिए हमारा ये आईपी दिखा दिया सिस्टम का, ठीक है। अगर हमें सिस्टम का सारे इथरनेट का आईपी देखना है तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा होस्ट नेम, यहाँ पे कैपिटल आई यूज करना पड़ेगा। ये सारे आईपी हमें यहाँ पे शो हो गया। अब हम लोग सिस्टम का फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम चेक कर लेते हैं तो उसके लिए कमांड यूज करनी पड़ेगी होस्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे हाइफन एफ, ठीक है। इसके बाद हम लोग शॉर्ट नेम भी चेक कर लेते हैं तो उसके लिए कमांड यूज करनी पड़ेगी आपको होस्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे हाइफन एस। अब मैं आपको दिखा देता हूँ होस्ट नेम कैसे चेंज करते हैं होस्ट नेम कमांड से। तो उसके लिए यूज करनी पड़ेगी आपको होस्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपको होस्ट नेम चेंज करना है तो मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ नोड 3, ठीक है। ये हमारा होस्ट नेम चेंज हो गया है। अब दोबारा इसका डुप्लीकेट सेशन लेके हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारे होस्ट नेम चेंज हो गया, पहले हमारा नोड 2 था, अब देखिए यहाँ पे नोड 3 हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।